गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, हमने लेसन नंबर 1 रीड कर चुके हैं ना, इंडिया आर नेशन। तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है बेटा? सो ओपन योर बुक बेटा, लेट स्टार्ट। फर्स्ट है बेटा हमारा सिलेक्ट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन आपको सही दिया गया है इस ऑप्शन में से, उस पर हमने टिक करना है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन, फर्स्ट है इंडिया इज़ लोकेटेड इन, इंडिया कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है बेटा। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नेबरिंग स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। फिर है इंडिया हैज़ वाटर ऑन 3 साइड्स, सो इट इज़ अ, जो इंडिया है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला, ठीक है बेटा। तो साउथ ईस्ट एशिया पर, पंजाब पर और पेनिनसुला पर हम टिक मार्क करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको प्लेसेस दिए गए हैं और ये बताना है कि इज दिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और उसकी कैपिटल लिखनी है। तो देखेंगे, कर्नाटक है हमारा, वो है एक स्टेट और उसकी कैपिटल है बेटा बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अपना यूनियन टेरिटरी में आता है हमारा और इसकी जो कैपिटल है वो कावारत्ती। नेक्स्ट है नागालैंड, स्टेट है और इसकी जो कैपिटल है वो कोहिमा। तमिलनाडु स्टेट है और इसकी कैपिटल है बेटा चेन्नई। हिमाचल प्रदेश स्टेट शिमला। झारखंड स्टेट, इसकी कैपिटल है रांची, ठीक है बेटा। तो ये सभी आपने, जो अगर कैपिटल आपको देख करके लिखनी है तो आपको पीछे स्टेट एंड कैपिटल दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख कर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स, पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट डैश, कि जो इंडिया के लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं? रिलीजन्स अपनाते हैं, ठीक है, धर्मों का पालन करते हैं। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? रिलीजन्स। पाकिस्तान लाइज इन द डैश ऑफ इंडिया, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के कहाँ स्थित है? नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला है डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है बेटा? न्यू दिल्ली। आपने लेसन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था, ये देखो, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री क्या है? इंडिया, और उसकी जो कैपिटल है वो बेटा क्या है? न्यू दिल्ली। तो इसमें हम न्यू दिल्ली भरेंगे। इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 6 डैश रीजन्स, तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ज्योग्राफिकल, 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है इंडिया को। तो क्या आएगा? जियोग्राफिकल स्पेलिंग, ठीक है बेटा। तो ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा था, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंडिया को 6 अकॉर्डिंगली इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? ज्योग्राफिकल। नेक्स्ट है ट्रू या फॉल्स, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो लार्जेस्ट कंट्री है। तो क्या आएगा बेटा? ये गलत, 7th नंबर पर है हमारा देश। मैंने आपको लेसन में बताया था कि 7वें स्थान पर है इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग। फिर है म्यांमार एंड बांग्लादेश आर द ईस्ट ऑफ एशिया, म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो एशिया के ईस्ट में है, येस। फिर है आर कंट्री इज डिवाइडेड इंटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमारे जो देश को बांटा गया है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, बिल्कुल सही, ठीक है बेटे। नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 ज्योग्राफिकल रीजन्स, अभी मैंने आपको बताया कि 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3, तो इट मीन्स इट्स रॉन्ग, ओके बेटा। तो यहाँ पे अगर 6 होता तब हम सही लगाते, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग, ठीक है बेटा। तो ये सारी एक्सरसाइज आज आपने अपनी बुक में फिल करनी है अच्छे से और पेंसिल से, ठीक है बेटा।